सूत जी कहते हैं मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ इनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया? यह सब मुझे बताइए। यह सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर का चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब मैं सुनाता हूँ। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने इस पुत्र को त्याग दिया और घर से निकाल दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूत द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग में उसका हृदय शुद्ध हो गया, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था में प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीप दान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव में जितने शिवालय हैं, वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर से वे रत्नमय दीपों के प्रभा से आश्रय हो। दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी हवन या आराधन समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों से रचा बचा रहता था, देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इन सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहां उसका वह कर्म और कहां उसके दिक्पाल की पदवी, जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद पहले के पादे कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया।
जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, तब उस समय यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशित का काशीपुरी नगरी में गया। अपने चित रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है। काम क्रोधाग्नि महाविद अग्नि रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोधी रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा श्रद्धा रूपी पुष्पों से जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चरमात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे कांट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्दत हूं, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं, उनका तेज प्रतिहत हो गया। वे नेत्र बंद करके मनोरथ से परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपकी चरणारविंदों का मैं दर्शन कर सकूं। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप वह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उनकी बाएं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव उन्हें उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो जाओ। सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो।
तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित होकर यज्ञ दत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में सदा तुम्हारी निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में सुलभ हों। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे और कुबेर का वर देकर भगवान देवेश्वर पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया।